हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली डिजिटल क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे टेली ERP 9 में कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेली ERP 9 खोल लेते हैं और सबसे पहले हम प्रेस करते हैं Alt+F3। Alt+F3 आप पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आप यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नेम में हम यहाँ पर मैं अपने नाम लिख देता हूँ टेली ERP 9 टेली जेल क्लास। एड्रेस जो भी आपका एड्रेस हो वह आप यहाँ पर लिख लीजिए। मैं यहाँ पर गुजरात इंडिया लिख लेता हूँ। कंट्री इंडिया। स्टेट में गुजरात। पिन कोड नंबर जो भी आपका आता हो वो आप लिख लीजिए। फ़ोन नंबर जो भी आपका हो आप यहाँ पर लिख लीजिए। फैक्स, ईमेल आईडी मैं यहाँ लिख लेता हूँ teledigitalclass@gmail.com। teledigitalclass@gmail.com। इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है अगर आपकी वेबसाइट हो तो वेबसाइट भी लिख लीजिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ www.teledigitalclass.com। इसके बाद हमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होता है तो आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टेली ERP 9 पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हो तो आप यहाँ से यस कर लीजिए, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं इसे। एंटर दे के आप यहाँ से इसे सेव कर लीजिए। ये मुझे यहाँ पर कुछ सेव करना नहीं दे रहा इसलिए कि मैं पहले से इस नाम से कंपनी बना चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर सेव नहीं होने दे रहा है। तो चलिए मैं इसके पीछे टेली डिजिटल क्लास के पीछे है वन लगा देता हूँ। तो अब हमें देखते हैं कि अब हमें सेव होने देगा या Alt+A देगा से आप सेव कर लीजिए। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा teledigitalclass1। पहले से मैं ये आपको दिख रहा होगा teledigitalclass, ये पहले मैं एक बना चुका हूँ। तो दोस्तों कुछ ऐसे रीति क्रिएट कर सकते हैं टेली की कंपनी। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आने वाले समय में मैं और भी बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूँ तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए।